एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ जैसे आपने बोला कि जो सोशल मीडिया की हद तक लोग जानते हैं उनको नहीं पता होता कि असल में आपकी शख्सियत कैसी है तो क्या यह भी एक प्रेशर था ए, नहीं था रियलिटी शो में जाने से पहले कि भाई बहुत ज्यादा हमारे बारे में पता चल जाएगा कुछ आपकी पर्सनैलिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं आप चाहते हैं यार के ढके छुपे ने लेकिन वहां पे तो इतने कैमराज आपके ऊपर ट्वेंटी फोर सेवन तो ये सोच नहीं आई कि यार ये ना हो भाई कि वो बातें भी पता लग जाए जो हम नहीं बताना जो नहीं, बताना चाहते जा मेरे साथ हुआ था मुझे पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में बहुत ज्यादा प्रेशर था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी course, कि लोग इतना जाने फिर वो ये होता है ना जितना जानते फिर उतना आपको बुली करते हैं टारगेट करते हैं लेकिन फिर मजा आने लग गया क्योंकि ना जाने बगैर भी उन्होंने यही किया किसने तुम्हें बुली किया बस थे कुछ लोग तुम तो ही तुम बिल्कुल नहीं थे तुम तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं जब हमारी टीम की बात चल रही थी तो जब जुनेद नेहा से हमने बात की तो नेहा ने कहा किसी को भी बुला लो बस जुनेद के साथ छोड़ <laughs> यही उम्मीद थी इससे मुझे <laughs> आपको मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ आप, आप हसे नहीं ज्यादा आप हंसे नहीं इन्होंने भी आपके बारे में यही बोला अब तुमने भी बोला है तो इट्स ओके इन्होंने ये बोला इन्होंने इन्होंने ये बोला मैं तो जानते नहीं नेहा नहीं नहीं मैं तो भूल गया था तो घर में ऐसा क्या हुआ यार तमाशा में क्या आप लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकारी हो गए सच्ची बात बता रहा हूँ भाई आपको ये मैं ऑफ ऑन कैमरा हाँ। बता रहा हूँ सॉरी हाँ, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्योंकि 50 दिन अपनी असली जैसे आप कह रहे हैं अपनी असली शख्सियत को सामने हाँ। लाने की भरपूर कोशिश की है, है। तो इस बात को भी एड्रेस करें क्या मसले हैं भाई वाई। क्यों नहीं आप लोग साथ आना चाहते जब आप पचास दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं ना मतलब आप घर वालों को भी पहचानना छोड़ देते हो वो भी आपको कहते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ तो फिर ये तो सब दोस्त थे ना फिर एकदम से एक ब्रेक जरूरी था कि आप इतना टाइम आप लोगों ने साथ गुजारा है तो एक थोड़ा सा ब्रेक आ जाए बट ऐसे कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में तो तू, -तू मैं के अलावा और कोई मतलब लड़ाई नहीं हुई प्रॉपर मैंने लड़ने की कोशिश की थी ऐसी हंसी मजाक आपने बेचारे को रुला दिया वजारत में आपने उसको एक माशाल्लाह छः फुट तीन इंच छह फुट दो इंच छह फुट दो इंच का शख्स इतना हेल्पलेस इतना लाचार इतना बेचारगी में बैठा हुआ रो रहा है कि मैं क्या करूं कि ये लड़की मेरी बात ही थी थी। यार उस क्या चल रहा था आपके दिमाग में मेरे सहन में ये चल रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा हाँ। क्योंकि दो वीक्स रह गए खुद तो आप साथ नहीं चले <laughs> मैंने तो देखे आप यार इसमें बनती थी आपने बचा कब तो आप साथ लेके नहीं चले कब नहीं चला मैं साथ आपने अली भाई के साथ जो किया है ये देखिए अली भाई के साथ उसमें बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे लगता था कि गलत हो रही हैं तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो उस टाइम पे हम आपको नहीं लग रहा था मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम पे और वैसे भी एक बीच का फेज था वो वाला बीच के वीक्स थे तो बड़ा डिप्रेशन में था एंगजाइटी हो गई थी फैमिली को मिस कर रहा था और चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि गेम में क्या चल रहा है लेकिन फिर एंड तक आके ये हुआ कि आप दो वीक्स रह गए हैं मेरी वजारत ना भी होती मैं यही चाहता कि सब मिलके रहें क्योंकि ये वो मोमेंट था कि हम लोग वो वाला टाइम था कि हम लोग सब साथ मिलके चलेंगे मेमोरीज बनाएंगे क्योंकि एक हफ्ते के बाद तो चले जाना है हम लोगों ने फिर यही हुआ कि इसने पूरी ठानी हुई थी ये सोच के आती थी कि आज मैंने क्या हरकत करनी है क्या लड़ाई करनी है कोई बात नहीं दिया थी। इसने किचन में भी लड़ाई की हमारी खाना भी उठा के ले गई लेकिन मैंने कहा इसको मैं जेल में नहीं डालूंगा क्योंकि जो चाहती है ना वो नहीं करूंगा मैं वो जेल में जब गई भी तो छलांग लगाई यार आप एथलीट भी हैं क्या <laughs> अपनी फिटनेस के बारे में बताएं क्योंकि आपने बड़ा एक <laughs> मुश्किल काम था कि आप आई नो राइट और मुझे बच्चे जब भी मिलते हैं प्लीज डू नॉट ट्राई दिस होम इससे चोट लग जाएगी आपको दरवाजा हो दीवार हो चोट लग जाएगी क्योंकि वो जेल एक तो बहुत ही नाजुक सा था वो मैं जब ऊपर चढ़ गई थी ना तब मैंने रियलाइज किया था कि वो बहुत ज्यादा बना हुआ और बादशाह सलामत ने आके ये बात कही थी कि अगर आप गिर जाती हो, जेल पूरा साथ में आपके चला आपके साथ गिरता तो मैंने बड़ी टेक्निकल छलांग लगाई थी वो कि मैंने सोच लिया था कि मैं अगर ऐसे छलांग लगाऊंगी ना तो मैं इसकी रॉड पकड़ लूंगी अगर ये मेरे ऊपर गिरा ना तो मैं अपने को स्टेबल कर लूंगी